नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस रूल्स में। मैंने TFT पे पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बात किया था कि TFT क्या है, किस तरह से ये बेसिकली क्या है, कहाँ से आया है और ये किस तरह से इमोशनल इश्यूज पे वर्क करता है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक बेसिक TFT जो बेसिक प्रोटोकॉल है कि किस तरह से आप अपने इमोशनल इश्यूज को हील कर सको, वो चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज मैं क्लियर करता हूँ दैट यहाँ मैं बहुत एडवांस प्रोटोकॉल नहीं बता पाऊंगा बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, पीआर प्रोसेसेस वगैरह वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको एक बेसिक प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, वो इटसेल्फ बहुत केसेस में सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है TFT में, यू हैव टू ट्यून इन टू द थॉट फील्ड। मतलब जैसे गुस्सा है, अगर आपको गुस्से का प्रॉब्लम है, एंगर का प्रॉब्लम है, आपको उसको हील करना है, तो पहले आप या एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है तो आप एंग्जाइटी अपने अंदर लेके आओगे, यू विल हैव टू ट्यून इन टू दैट थॉट फील्ड। ठीक है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे EFT में बोलना होता है ना कि भले ही मैं इस वक्त मुझे एंग्जाइटी में अपने आप को एक्सेप्ट करूं, ऐसा नहीं होता इसमें। TFT में यू हैव टू जस्ट मेंटली ट्यून इन, उस एंग्जाइटी को ऊपर लाओ और फील करो एंग्जाइटी। ठीक है, वो आपने ट्यून इन कर दिया, जितना स्पेसिफिक आप इवेंट पे अगर लेके आ सकते हो कि पर्टिकुलर किसी इवेंट से रिलेटेड या किसी ने आपको कुछ 2 महीने पहले कुछ बोला जिसकी मेमोरी है, अगर वो स्पेसिफिक ला सको तो उसका रिजल्ट और अच्छा आता है। ठीक है, तो आपको पहले तो उस एंग्जाइटी को अपने अंदर लेके आना है। ठीक है, भले ही आप इस वक्त एंग्जाइटी, अगर इस वक्त आपको एंग्जाइटी है तब तो बेस्ट है। ठीक है, तब तो कुछ करना ही नहीं है, वो एनी वेज आपको एंग्जाइटी हो रही है। बट अगर नहीं है तो उस एंग्जाइटी को पहले अपने अंदर, या एंगर है या गिल्ट है, उसको अपने अंदर फील करो। ठीक है, दैट एज इज यू आप उस सिचुएशन में हो या समवन इज ब्लेमिंग यू एंड यू आर फीलिंग द गिल्ट, तो उसको अपने अंदर फील करो। वो कर लिया, उसके बाद उसको एक SUD स्केल करके रहता है, सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको चाहिए तो वीडियो को 4-5 बार आप देखो तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, SUD मतलब 0 से 10 के स्केल पे आप उसको रेट करो कि इस वक्त आपका जो प्रॉब्लम है वो कितना है। 0 मतलब आप खुश हो, लाइफ में सब अच्छा है। ठीक है, और 10 मतलब कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरी हालत इतनी खराब है। तो जनरली 0 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 6-7 के लेवल पे, 8 ऐसा हो सकता है आपको। ठीक है, अब क्या होता है TFT में, EFT में तो क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप स्पेसिफिक पॉइंट्स को टैप करते हो। EFT में क्या होता है, स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स रहते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। जैसे अगर मैं एंग्जाइटी का एल्गोरिथम है EAC, ठीक है, ई मीन्स अंडर द आई, ए मीन्स अंडर द आर्म एंड सी इज कॉलर बोन, तो मुझे ना इन, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन लॉक की तरह, ये बहुत हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद दीज स्पेसिफिक पॉइंट्स वर डिस्कवर्ड कि अगर एंग्जायटी इश्यूज है तो इससे क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है अंडर द आई, अब ये एंग्जायटी का एल्गोरिथम बता रहा हूँ, ऐसे बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग एल्गोरिथम्स है। ये आप TFT एल्गोरिथम आप सर्च करोगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और होगा तो मैं भी इस पे एक अलग से चाहिए तो वीडियोस बनाऊंगा डेडिकेटेडली कि हर चीज के लिए क्या एल्गोरिथम है, वो भी मैं एक वीडियो आगे बना दूंगा। ठीक है, पहले अभी हम ये प्रोसेस समझ लेते हैं। तो जैसे कैसा हो गया, एंग्जायटी के लिए हो गया अंडर द आई, ये पॉइंट है अंडर द आई। ठीक है, तो 5 से 7 बार टैप करना है, बहुत हल्के से भी टैप नहीं करना और बहुत बहुत ज्यादा भी टैप नहीं करना है कि हर्ट हो। ठीक है, ये 5 से 7 बार आपने यहाँ टैप कर लिया। ठीक है, फिर अंडर द आर्म, ये जो रहता है जहां से लेडीज का ब्रा स्ट्रैप क्रॉस करता है, या मैन के केस में नेवल से एकदम ऐसे, जैसे ये नेवल है। ठीक है, नेवल के एकदम ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 to 7 times इधर आपने, यू हैव टू कीप उस एंग्जाइटी को फील करते रहो। ठीक है, ये आपने 5 से 7 बार इधर टैप कर लिया, देन कॉलर बोन, कॉलर बोन पॉइंट इधर रहता है। ठीक है, ये आपने कॉलर बोन पॉइंट पे टैप कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, वापस से मेजर करो अपना SUD कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है 0 से 10 के केस में। ठीक है, नाउ अगर पहले सपोज आपका 8 था और अभी आपका 4 हो गया। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट से अगर कम जाता है, 2 पॉइंट से ज्यादा का रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे 8 का मतलब 5 हो गया, या 8 का 4 हो गया, ठीक है, या 8 का 6 भी हो गया, तब आपको क्या करना होता है, एक 9-gamut प्रोसीजर। ये 9-gamut प्रोसीजर ब्रेन बैलेंसिंग के लिए होता है और ये आपको और अच्छे से हीलिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये 9-gamut प्रोसीजर एक्चुअली आप ऐसे भी कर सकते हो, इट इज वेरी गुड फॉर ब्रेन बैलेंसिंग। क्या करना है, ये हमारा गैमेट पॉइंट रहता है, गैमेट स्पॉट रहता है ये वाला। ठीक है, ये जैसे दो आप अगर देखोगे, ये दो में नकल्स रहते हैं, दो नकल्स जो रहते हैं इसके बीच में, यहाँ पे आप देखोगे खाली एरिया है।
है, तो हाँ ये खाली एरिया है ना, तो अभी मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट पे टैप करते रहना है अपने 3 फिंगर्स से, टैप करते हुए मुझे कुछ एक प्रोसेसेस करने, 9 स्टेप्स करने। 9 स्टेप्स क्या होंगे? क्लोज माई आईज, ओपन द आईज, मूव आईज टू नीचे कोई भी एक तरफ, ठीक है, फिर मूव आईज एक और जगह, दूसरी जगह, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, फिर रोल आईज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो भी आप करना है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। देन हम अ ट्यून विद 5 नोट्स, दैट मीन्स आप हैप्पी बर्थडे का हम कर सकते हो, ठीक है, या आप जो भी एक ट्यून, कोई भी हैप्पी बर्थडे का ट्यून आप हम कर सकते हो। देन यू ये टैप करते करते करना है, ठीक है। देन यू से 1 2 3 4 5, देन अगेन यू हैव टू हम द ट्यून, दैट बिकम्स द 9 गैमेट प्रोसीजर। तो इसको कैसे करना है, इसको नॉर्मल फास्ट वे में करना है। जैसे मैं यहाँ पे टैप करना स्टार्ट करता हूँ, देखो, ओपन द आईज, नीचे फिर नीचे, फिर वन, फिर वन, 1 2 3 4 5, दिस इज योर 9 गैमेट प्रोसीजर। 9 गैमेट प्रोसीजर करने के बाद वापस से आप ये पॉइंट्स पे टैप करोगे, ठीक है, 5 to 7 times, ठीक है, ये करो, फिर वापस एसयूडी को मेजर करो और देखो कि ये 2 से अगर बिलो जाता है, अगर ये 2 से बिलो चला गया तो आपको फ्लो टू सीलिंग आई रोल करनी है। फ्लो टू सीलिंग आई रोल क्या होती है कि ये जो है ना, टैप करते हुए, इसको टैप करते हुए आपका आंखों को एकदम नीचे रखो और एकदम नीचे से धीरे 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 7 से 10 सेकेंड्स लगने चाहिए आंखों को पूरा ऊपर। ये एक अपने आप में एक रिलैक्सेशन, रैपिड रिलैक्सेशन टेक्निक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टैप करते हुए सिर ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इट हैज टू बी ऐसे, ठीक है, आपकी आईज ऊपर होनी चाहिए। दिस ये सब चीज का आपको लगेगा थोड़ा गिमिकी लगेगा, बट इन सब के पीछे देयर इज अ रिसर्च दैट इज देयर, एंड दिस इज टीएफटी इज अ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, अभी मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, बिकॉज इसमें एक दो जगह इश्यूज आपको हो सकते हैं। पहले आपको थॉट फील्ड को, यू हैव टू ट्यून इन टू दैट थॉट फील्ड, एंग्जाइटी को अपने अंदर लेके आओ, ठीक है, एसयूटी स्केल पे मेजर करो, 0 स्केल पे मेजर करो। देन मेजर जो है, जो भी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंग्जाइटी का है तो एंगर का है, ट्रॉमा का अलग मेजर है, ठीक है, उनके 5 टाइम्स आप ये करो, 5 to 7 times, ठीक है। करने के बाद वापस एसयूटी मेजर करो कितना है, अगर 2 से ज्यादा पॉइंट्स डाउन गया है, जैसे 8 का 5 हो गया या 8 का 6 हो गया या 4 हो गया, तो एक 9 गैमेट प्रोसीजर। 9 गैमेट प्रोसीजर कैसा, जो मैंने बताया, इसको टैप करते करते आपको क्लोज आईज, ओपन आईज, एक तरफ फिर एक तरफ देखना है, फिर एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर हम द ट्यून, 1 2 3 4 5, ये 9 गैमेट प्रोसीजर हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस से आपको टैपिंग करनी है, ठीक है, वापस आपको टैपिंग करनी है एंड वापस एसयूडी मेजर करना है। अगर 2 से नीचे चला गया, फिर वापस मेजर करना है एसयूडी, एसयूडी अगर 2 के नीचे चला गया तो एक इसको ऐसे टैप करते करते फ्लोर टू सीलिंग आई रोल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, जब हमने सबसे पहली बार टैप किया था और मेजर किया एसयूडी, पता चला 8 से वो नीचे जा ही नहीं रहा, 8 से 8 ही है या 8 से 7 हो गया है, ठीक है, तो वो नीचे जा रही, तो क्या करना है उसमें, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रिवर्सल। ये होते हैं कुछ लोगों में हीलिंग ब्लॉक्स होते हैं, हीलिंग के मतलब हीलिंग नहीं हो पाती है, उसके ब्लॉक्स, उन ब्लॉक्स को करेक्ट करने के लिए एक्चुअली 3-4 टाइप के अलग अलग रिवर्सल्स है, बट मैं आपको सिंपल एक रिवर्सल बता रहा हूँ, जो एक है यहाँ कराटे चौक पॉइंट पे 15 बार टैपिंग करनी है आपको, उस पर्टिकुलर एंग्जाइटी को सोचते सोचते यहाँ पे 15 बार टैपिंग करनी है, एंड देन यू स्टार्ट अगेन, ठीक है, वापस से आपको मेजर्स और पूरा प्रोसेस वापस से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा मैंने बता दिया, अभी इसमें थोड़े एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं, एडवांस्ड एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं अगर आपको इसमें बताऊंगा वीडियो में तो आप थोड़े ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, बट आई होप ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। आप इस टीएफटी की वेबसाइट है, टीएफटी टैपिंग की, रॉजर कैलहन की वेबसाइट है, उस पर भी आपको टीएफटी स्ट्रेस बस्टर टूल वगैरह वो लोग ने डाला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो वो पीडीएफ भी आप ले सकते हो उस वेबसाइट से, और आप इस पे थोड़ा रिसर्च करके देखो। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है आपको अलग अलग टूल्स देना, और मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी हीलिंग होनी चाहिए, ये एंगर, गिल्ट और इन सब इश्यूज से हम बाहर आने चाहिए, तो ये बहुत पावरफुल वे है।
बाकी ईएफटी तो है ही, अगर आपको ईएफटी जमता है तो आप ईएफटी कर सकते हो, तो आप ये करो। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको वन टू वन सपोर्ट चाहिए, तो आप मेरा वन टू वन सेशन भी ऑप्ट कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ वन टू वन सेशन, ठीक है। बट पहले मैं बोलूंगा कि आप पहले खुद से आप इसको ट्राई करो और देखो, एंड यू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।